5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको इस एक्सरसाइज का एक इंट्रोडक्शन दिया था, उस इंट्रोडक्शन में बहुत सारे पॉइंट्स को हमने कवर किया था। तो अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक्सरसाइज 5.1 का जो पहला वीडियो होगा सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के नाम से, वो वीडियो आप ज़रूर देख लेना। तो इस एक्सरसाइज में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका शायद मतलब आपको अगर नहीं पता होगा तो उस वीडियो को देख के आपको पता चल जाएगा। तो उस वीडियो में इंट्रोडक्शन पार्ट में एक चीज़ मैं मिस कर दिया था, वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये जो पहला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन उसी चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं आपको एक ग्राफ के बारे में बताया था जिसमें एक ग्रुपिंग डेटा को लेकर ग्राफ बनाया जाता है। यहाँ पर एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस है, और जो ग्रुपिंग डेटा था तो उस ग्रुपिंग डेटा का चार्ट कुछ इस तरीके से बनता है। ये इस तरीके से ग्रुपिंग डेटा का चार्ट बनाया जाता है। तो यहाँ पर देखो, जनरल भी नॉर्मल जो बार चार्ट होता है या बार ग्राफ होता है उससे ये ग्राफ ऐसे डिफरेंस है कि नॉर्मल जो बार ग्राफ हम बनाते हैं उसमें दो बार्स के बीच में थोड़ा सा गैप होता है। ठीक है, अगर डबल बार ग्राफ भी बनाया जाता है तो उसमें भी दो बार के बाद में एक छोटा सा गैप होता है, फिर दो बार, फिर छोटा गैप, फिर दो बार, छोटा गैप। लेकिन जब ग्रुपिंग डेटा का कोई भी ग्राफ बनाया जाता है, बार चार्ट बनाया जाता है या बार ग्राफ बनाया जाता है, तो इसमें कि बार के बीच में कोई भी गैप नहीं होता है। तो इस तरह का जो बार होता है, इस तरह का जो ग्राफ बनता है जिसमें इस तरीके से बार को रिप्रेजेंट करके ग्राफ को डेटा को बार बना के डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इन बार्स को, ये जितने भी बार हैं इसको हिस्टोग्राम बोला जाता है। ठीक है, तो वो सारे पॉइंट्स को मैं आपको बता चुका हूँ इंट्रोडक्शन पार्ट में, ग्रुपिंग डेटा क्या होता है, ग्रुपिंग डेटा का चार्ट कैसे बनता है, डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, वो सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, क्लास इंटरवल के बारे में भी आपको बता चुका हूँ। तो इंट्रोडक्शन पार्ट वाला वीडियो आप ज़रूर देख लेना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा आपको 5.1 का, जो पहला वीडियो है सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के नाम से, वो ज़रूर देखना। तो ये चीज़ उसमें बताना मिस हो गया था कि हिस्टोग्राम क्या होता है। ठीक है, तो ये जो चार्ट है, इस चार्ट में आप देखोगे या फिर इस ग्राफ में देखोगे जितने भी बार्स बने हुए हैं वो एक के बाद एक एक दूसरे से लगे हुए हैं, कोई भी बार के बीच में कोई गैप नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के जो बार्स होते हैं उसको हिस्टोग्राम बोला जाता है। अब आ जाते हैं आपको ना एक्सरसाइज 5.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, फॉर विच ऑफ दीज वुड यू यूज अ हिस्टोग्राम टू शो डेटा। ठीक है, यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है और उन स्टेटमेंट में जो भी इंफॉर्मेशन होगा उस इंफॉर्मेशन के लिए, उन इन्फॉर्मेशन में से कौन कौन सा ऐसा इन्फॉर्मेशन है जिसके लिए आप एक हिस्टोग्राम बनाओगे। ठीक है, तो हिस्टोग्राम मतलब आपको एक ग्रुपिंग टेबल बनाना पड़ेगा, ग्रुपिंग टेबल जो कि क्लास इंटरवल के बेस पे बनता है। ये सब चीज़ क्या होता है मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बता चुका हूँ, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन वाला वीडियो आप ज़रूर देखना। ठीक है, तो ग्रुपिंग डेटा का के बेस पे ही, ग्रुपिंग डेटा का जो टेबल बनता है उस टेबल के बेस पे ही ये वाला डायग्राम, ये वाला ग्राफ बनता है और इस ग्राफ में ही हिस्टोग्राम होता है। ठीक है, तो हम लोग को इन स्टेटमेंट्स को पढ़ के ये फाइंड आउट करना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट को किस किस इंफॉर्मेशन के लिए हम लोग ग्रुपिंग डेटा या फिर क्लास इंटरवल डेटा हम लोग बना सकते हैं, क्या क्लास इंटरवल टेबुलर फॉर्म हम लोग बना सकते हैं, उसको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फर्स्ट का, द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन ए पोस्टमैन बैग। पोस्टमैन के बैग में बहुत सारे लेटर्स हैं, अब वो अलग अलग एरिया में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है उसको, तो उसके लिए हम लोग ग्रुपिंग डेटा तो बना नहीं सकते, ग्रुपिंग डेटा बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्लास इंटरवल उसमें बन नहीं सकता। ठीक है, तो इसका आंसर होगा नो, यहाँ पर कोई भी हिस्टोग्राम वाला ग्राफ हम लोग नहीं बना सकते, नहीं ड्रॉ कर सकते। उसके बाद सेकेंड प्रॉब्लम दिया हुआ, द हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन एन एथलीट मीट। ठीक है, एक मीटिंग है उसमें बहुत सारे एथलीट आए हुए हैं और उन एथलीट के हाइट को मेजर करना है। एथलीट क्या होता है, एक रनिंग स्पोर्ट्स है, आपको पता होगा एथलीट के बारे में। तो उस एथलीट, जितने भी एथलीट आए हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट्स आए हैं, उनका हाइट को मेजर किया जाएगा, हाइट मेजर करके लिखा जाएगा। तो हाइट को मेजर करके हम लोग एक ग्रुप बना सकते हैं कि किसका हाइट कितने इंच का है। ठीक है, सपोज 160 से 170 सेंटीमीटर के बीच में कितने लोगों का हाइट है, 170 सेंटीमीटर से 180 सेंटीमीटर के बीच में कितने लोगों का हाइट है, 170 सेंटीमीटर से 180 सेंटीमीटर के बीच में कितने लोगों का हाइट है। क्योंकि एथलीट मीट में बहुत सारे लोग आएंगे, पूरे वर्ल्ड के लोग आएंगे, हो सकता है कि 1000 लोग आएँ, 2000 लोग आएँ या 5000 लोग आएँ, तो उसको हम लोग वहाँ पर क्लास इंटरवल डिफाइन कर सकते हैं और ग्रुपिंग डेटा के बेस पे वहाँ पर टेबुलर फॉर्म बना सकते हैं और उस टेबल के बेस पे इस तरह का हिस्टोग्राम हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यस, इसका एक हिस्टोग्राम टेबल, सॉरी, इसका एक
इस डेटा को हिस्टोग्राम से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनीज। अब 5 अलग अलग कंपनी है, ठीक है, 5 अलग अलग कंपनी है और उन्होंने कितने कैसेट्स प्रोड्यूस किए उसको अगर हम लोग को किसी ग्राफ में रिप्रेजेंट करना होगा तो हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर 5 अलग अलग कंपनी है तो उसको कोई ग्रुप तो हम लोग बना नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि 5ों कंपनी का नाम अलग अलग रहेगा। अगर एक ही कंपनी का 5 अलग अलग तरह का कैसेट होता तो हम लोग ग्रुप बना सकते थे, ठीक है। तो इसके लिए कोई भी हम लोग क्लास इंटरवल नहीं डिफाइन कर सकते, इसलिए इसके लिए कोई भी हिस्टोग्राम मतलब इसके डेटा को हिस्टोग्राम में हम लोग शो नहीं कर सकते, ठीक है। रीजन आपको बस उतना ही लिखना है कि इसके लिए हम लोग क्लास इंटरवल डिफाइन नहीं किया जा सकता, ठीक है, और यहाँ पर आप क्लास इंटरवल डिफाइन कर सकते हो, बस उतना ही रीजन सफिशियंट है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको बोला है कि इसका रीजन भी बताना है। नेक्स्ट दिया हुआ है द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM टू 7 PM एट ए स्टेशन। अब बोर्डिंग का मतलब वो जगह होता है जहां से स्टेशन पे सॉरी ट्रेन पे चढ़ा जाता है, जिस स्टेशन से आप ट्रेन पे ट्रैवल करने के लिए चढ़ोगे वो बोर्डिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM टू 7 PM, एक कोई भी स्टेशन है उस स्टेशन में सुबेरे 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक कितने पैसेंजर्स उस ट्रेन में चढ़ के जा रहे हैं, सिर्फ एक ट्रेन में नहीं जितने भी ट्रेन है उन पे चढ़ के जा रहे हैं। तो इसमें यहाँ पर हम लोग एक इसको ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पर क्लास इंटरवल डिफाइन कर सकते हैं कि सुबह 7 बजे से 8 बजे तक कितने पैसेंजर्स ट्रेन में चढ़ गए, 8 बजे से 9 बजे तक कितने पैसेंजर्स ट्रेन में चढ़ गए, 9 बजे से 10 बजे तक कितने पैसेंजर्स ट्रेन में चढ़ गए, ठीक है। तो इसको क्लास इंटरवल में डिवाइड किया जा सकता है, इसलिए इसका आंसर होगा यस, यहाँ पर क्लास इंटरवल में डिवाइड करके इस डेटा को हिस्टोग्राम में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन।